हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आई एम योगेश सर। आइए हमारे एक और मेथड इनकम मेथड। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है, उसके पहले एक वीडियो में हमने बेसिक फॉर्मूलास पढ़ा हुआ है। आज का हमारा नंबर सेकंड मेथड इनकम मेथड। इनकम मेथड का एक और नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट मेथड बिकॉज फैक्टर से ही इनकम निकलता है। लाइक लैंड से बनेगा आपका रेवेन्यू, रेंट बनेगा, कैपिटल से आपका इंटरेस्ट बनेगा, लेबर से आपका वेजेस बनेगा। ये सारे सारे फैक्टर होते हैं। फैक्टर पेमेंट मेथड, एक और नाम है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड का सबसे बेसिक और सबसे नंबर मेन फॉर्मूला NDPFC। इनकम मेथड के थ्रू NDPFC फाइंड होगा। जैसे प्रोडक्ट मेथड से GDPMP निकलता है, वैसे इनकम मेथड से NDPFC। NDPFC का फॉर्मूला है C of E, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज। C of E, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज प्लस OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। OS, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI, मिक्स्ड इनकम। MI फॉर मिक्स्ड इनकम। ये तीनों को जोड़ना है, 1, 2, 3, तीन एलिमेंट को जोड़ेंगे आपको मिलेगा NDPFC। NDPFC इनकम मेथड लगाओगे, NDPFC मिलेगा। C of E प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI, मिक्स्ड इनकम। सर ये C of E क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू, एम्प्लॉय को कैसे कैसे कंपनसेट करेंगे, एम्प्लॉय को क्या क्या पे करता है उसका एम्प्लॉयर बॉस, उसको क्या क्या पेमेंट करेगा। नंबर वन पेमेंट करेगा वेजेस एंड सैलरीज। नंबर वन पेमेंट होगा वेजेस एंड सैलरीज। और कभी कभी पेमेंट होता है पेमेंट इन काइंड्स। काइंड्स मतलब कोई सामान उसको पेमेंट कर रहे हैं, इन कैश में नहीं दे रहे, अदर देन कैश इन काइंड्स में दे रहे हैं। नंबर थ्री एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, नॉट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मालिक अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, स्टैचुरी फंड में, ग्रेजुटी फंड में जो कुछ भी डालेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो सब इसमें आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन फंड। और नंबर फोर आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को क्या क्या मिलेगा, एम्प्लॉयज को कौन पेमेंट करेगा, बॉस क्या क्या पेमेंट करता है, वेजेस एंड सैलरीज देगा, पेमेंट इन काइंड्स देगा, कभी वॉच दे दिया, कभी टिफिन बॉक्स दे दिया, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं पेमेंट इन काइंड। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बॉस जो डालेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो आएगा। और आएगा पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में जो पेंशन मिलता है। इन चारों को जोड़ोगे तो आपका बनेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये चार एलिमेंट जोड़ना है। सेकेंड आपका OS। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग करने से आपको क्या सरप्लस हुआ, सरप्लस मींस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मतलब जिसको आप बार बार यूज करते हैं, ऑपरेटिंग करने से आपको क्या सरप्लस मिला। तो तीन टाइप का इसमें एलिमेंट्स है। नंबर वन रेंट, आप शॉप किराए पर दिए हो, आप घर किराए पर दिए हो, आप बिजनेस प्रमाइसेस रेंट पर दिए हो, तो जो भी रेंट होगा पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर वन। नंबर टू इंटरेस्ट, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पर कैपिटल लगा रहे हो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां से जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट यहां पर पुट करना है। और नंबर थ्री आपको यहां पर लिखना है प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीन एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट का तीन अलग अलग नेम और है, डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का कई बार नाम प्रॉफिट दिया रहेगा, कई बार इन तीनों के नाम से दिया रहेगा, आपको ये तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा। मेथड आपका कौन सा है, इनकम मेथड। क्या निकलेगा इनकम मेथड से, NDPFC बेस मिला, प्रोडक्ट मेथड से GDPMP, इनकम मेथड से NDPFC। क्या क्या ऐड करना है, तीन पॉइंट ऐड करना है, C of E, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर टू है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर थ्री आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दिया रहता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो आप खुद से करोगे जो मिलेगा वो मिक्स्ड इनकम है, गिवन होता है क्वेश्चन में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन फंड एनी अदर फंड एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये चार चीज जोड़ोगे तो आपको नंबर वन मिल जाएगा।
ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको जोड़ना है रेंट, आपको जोड़ना है प्रॉफिट, आपको जोड़ना है इंटरेस्ट। प्रॉफिट का तीन नाम और है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों को जोड़ोगे तो प्रॉफिट यहां से आपका बनेगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ये नंबर टू। एंड MI आपको गिवन रहता है, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बुक में पढ़ेंगे आपको डिटेल में मिलेगा MI मींस क्या है। चलिए इनकम मेथड का एक एग्जांपल क्रिएट करें हैं। एग्जांपल क्या है इनकम मेथड का, देखिए वेजेस दिया है आपको, रेंट दिया है, इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन PF प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन PF प्रोविडेंट फंड, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, NIT, NFIA एंड फाइंड नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम बोलेगा आपको समझना है, नेशनल इनकम मीन्स NPFC, ये चाह रहे हैं आपसे। नेशनल इनकम का शॉर्ट नेम है, नेशनल इनकम का NNPFC, आपको NI बोलेगा, आपने ये लिखना है NNPFC। तो मैं डायरेक्ट ये फाइंड नहीं करूंगा, इनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सारे के सारे इनकम मेथड के हैं। अगर आप प्रोडक्ट मेथड के इंफॉर्मेशन दोगे तो परचेज, सेल्स, स्टॉक, यहाँ पर देखो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, तो इनसे समझ में आएगा कि इनकम मेथड लगना है। और इनकम मेथड से क्या बेस फाइंड होता है बोलो, NDPFC, ये इनकम मेथड का बेस है। अगर ये प्रोडक्ट मेथड होता तो आपने लिखना था GDPMP, लेकिन ये इनकम मेथड आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, NDPFC। आप पढ़ो क्वेश्चन को, जज करो कौन सा मेथड है। अगर आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट मेथड है तो आप GDPMP लिखो, अगर आपको लग रहा है नहीं ये तो इनकम मेथड का इंफॉर्मेशन है तो आपको क्या लिखना है, NDPFC। NDPFC के अंदर हमने तीन नाम लिखा है, फॉर्मूला C of E प्लस OS प्लस MI, ये फॉर्मूला आपका। COFE के अंदर कितने एलिमेंट थे, COFE के अंदर चार एलिमेंट थे। नंबर वन वेजेस एंड सैलरीज, खोजो वेजेस एंड सैलरीज, यस वेजेस। पेमेंट इन काइंड, नहीं है पेमेंट इन काइंड। इसके बाद था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, ये आ गया आपका। पेंशन नहीं है। और सर ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं यूज करना। किसके कॉन्ट्रीब्यूशन को लेना है आपको, एम्प्लॉयर बॉस के कॉन्ट्रीब्यूशन को लेना है। तो चार नाम था इसके अंदर, वेजेस एंड सैलरीज, नंबर टू आपका था पेमेंट इन काइंड, नंबर थ्री आपका था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नंबर फोर था आपका पेंशन। ये तीन चार में से सिर्फ दो एलिमेंट दिखे, एक ये मिला और एक ये मिला। ओएस के अंदर क्या क्या था, ओएस के अंदर तीन था, एक रेंट, ये रेंट आपका 50, सेकंड इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट आपका 60, नंबर थर्ड प्रॉफिट, ये है डिविडेंड, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट दिया हुआ 30। MI मिक्स इनकम क्वेश्चन में गिवन होगा, MI नहीं है, MI नहीं है तो जीरो। अब इन सबको जोड़ लो, 220 प्लस 140 टोटल हो गया आपका 063, 360। क्या मिला आपको, NDPFC मिला। क्या क्वेश्चन आपसे NDPFC पूछा है, नहीं, वो तो क्या पूछ रहा है, नेशनल इनकम मीन्स क्या होता है, NNPFC। तो पहले इनकम मेथड लगाओ, इनकम मेथड से बेस फाइंड करो, तो मेरा बेसिक मिल गया NDPFC। आपसे पूछा क्या है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNPFC नेशनल इनकम, जो पूछा उसको इधर रखो, आपके पास जो है जो अवेलेबल है उसको यहां रखो, मेरे पास अभी आ गया है NDPFC। इसलिए पहले आपको मेथड लगाना है, मेथड से एक बेस निकालना है, बेस को इक्वल की इस साइड रखना है, जो फाइंड करने बोला उसको इधर रखना है। अब फर्स्ट क्लास का आपका फॉर्मूला बेस वाला, N से N में जाना है, कुछ नहीं करें, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, प्लस NFIA, P से P करेक्ट है सर, FC से FC करेक्ट है सर,
अगर आपको ऐसा मूव करना नहीं आता है तो फर्स्ट बेसिक क्लास देखिए, बेस फॉर्मूला का बेसिक क्लास नेशनल इनकम का, उसमें सारा चीज समझाया गया। एक बार फिर से क्वेश्चन है, पूछा था नेशनल इनकम, ये लिख दिया मैंने नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कोड है NNPFC। हमारे पास क्या है NDPFC। सर ये कहाँ से आया? इनकम मेथड से आया। इनकम मेथड लगाओगे तो आपको NDPFC मिल जाएगा। NDPFC फिर N से N में जाना है, कुछ नहीं करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है प्लस NFIA। FC से FC करेक्ट है, P से P करेक्ट है। यहाँ आएगा 360 एंड NFIA 10। फाइनल आंसर आपका 370, दैट इज नेशनल इनकम। NNPFC इसी को बोलेंगे नेशनल इनकम। सर ये डेप्रिसिएशन क्या होगा? यूज नहीं पड़ा। सर NIT क्या होगा? यूज नहीं पड़ा। कोई कंपलसरी नहीं, जितना इंफॉर्मेशन है सबको यूज कर रहा। आपके फॉर्मूले के रिक्वायर जो जो यूज हो रहा है उसको पुट करते जाओ, बाकी सबको एलिमिनेट करो।